Shedding Riyasi constructively lakhs of rupees at the cost of state exchequer has been left abandoned by the authorities. Constructed by Municipal Committee Riyasi, it was inaugurated by the local MLA last year. ये कहूँगा मैं कि इधर पानी नहीं है, नहीं कोई घास वगैरह है, तो बिजली का कोई साधन नहीं है। एक बल्ब लगा है, वो भी कभी चलता है कभी नहीं चलता है, तो बाकी कोई रास्ता नहीं है लाने का, गाय कहाँ से लाएंगे जी, रास्ता ही नहीं है इधर, तो ऐसे कैसे रहेगा फिर। इनका तो कोई आदमी भी रहे इधर, कोई कुछ कुछ होता है। यहाँ पर सिर्फ बिल्डिंग बनी है और यहाँ सारी बिल्डिंग ही बनी है और कहीं कुछ नहीं है। आज तक कभी गाय लाई है यहाँ? एक दो दफ़ा लाई मैं, बस खाने के लिए कुछ नहीं है तो क्या करेंगे इधर। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं विभागीय अधिकारियों की लापरवाही? लापरवाही तो है उनकी। अगर खोला किस लिए खोला है? अगर ये पैसा कहीं वो लगाया होता तो अच्छी जगह लगता ना, क्या फायदा इसका। The shed doesn't have any facility and attendants say they don't get adequate grass and there is no electricity. It is for this reason that stray animals for whom it was constructed do not come around. मैं साथ में इधर पानी छाने में पहले इन्होंने कोई 5-6 दिन के लिए गाय लाई थी, तो इधर से सारी भाग गई थी। इनको खाने के लिए कुछ था उनके लिए, तो म्यूनसिपल कमेटी का ऑटो आता था, तो उसमें उनका गाय ज़्यादा थी, संख्या उनकी ज़्यादा थी, तो उनके लिए खाने के लिए पूरा नहीं हो पाता था। इसलिए फिर नहीं इधर पानी की सुविधा है, नहीं रास्ते की सुविधा है, और साथ में बरसात के मौसम में ऐसे इधर अभी 2-4 दिन पहले ही इनको ऐसे झाड़ी लगी हुई थी, अभी 2-4 दिन पहले ही काटी हुई है इन्होंने, थोड़ा 2-4 दिन पहले सफाई की हुई है। अभी तक कोई आया नहीं है। उसी दिन जिसने सफाई की उस दिन 2-4 कर्मचारी आए थे। उस पर ढक्की रास्ता नहीं है, बाकी माले वास्तव कोई ठिकाना नहीं है, इतने खड़ोने वास्तव पानी नहीं है, बिजली नहीं है। रियासी के मुख्य बाजारों एवं आसपास की सड़कों पर आवारा पशुओं का घूमना जो है वो अभी तक लगातार जारी है। उन्हीं से निजात दिलाने के लिए म्यूनसिपल कमेटी विभाग द्वारा जो रियासी के वार्ड नंबर 13 में कैटल शेड तैयार किया गया था, जिसका उद्घाटन पिछले वर्ष 2017 में रियासी के स्थानीय विधायक एवं पूर्व मंत्री रह चुके अजय नंदा द्वारा किया गया था। ऐसा स्थानीय निवासियों का भी कहना है कि यहाँ पर कोई भी सुविधा जो है प्रशासन की तरफ से नहीं दी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र शर्मा के साथ करणदीप सिंह, एक्सेलसन न्यूज़, रियासी।